वेलकम किया है हमारी तरफ से और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका सर हम बहुत शुक्रिया करते हैं। साथ में आपका भी यह एक सिंपल टेक्निक है पेपर वर्कशॉप, जैसे ही मेरे हाथ में A4 साइज कलर पेपर है इस पर कोई भी ड्राइंग चित्र नहीं है, दिख रहा है आपको बैक साइड में देखे इसमें कोई चित्र बना हुआ नहीं है। हम लोग इस पर कोई ड्राइंग बनाते हैं, अगर मान के चलो हमें ड्राइंग अच्छा लगा तो हम दीवार पे चिपका देखते हैं, ड्राइंग खराब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, रबर से बेटा तो नहीं सकते बल्कि इस पेपर को ही डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, राइट। इसी पेपर से कार्ड तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट, इस पेपर को सिर्फ एक बार फोल्ड करना है और अपने हाथों से प्रेस कर देना, फिर एक छोटा बड़ा एक सीजर का सपोर्ट लेके फर्स्ट सीजर को लेंगे, इसमें दो कट लगाएंगे, एक कट नीचे में और एक कट इसके ऊपर वाली साइड में, यहाँ से सीजर को थोड़ा गोलाकार में आप नीचे वाले साइड की तरफ से ले लेंगे, नीचे में आपको एक हाफ कट लगाना है यहाँ तक रोल दो, आफ्टर फिर एक इंग्लिश का वी पोजिशन, एक कैपिटल लेटर्स एक वी अक्षर की तरह यहाँ से कट लगाएंगे तो आपके सामने कैपिटल लेटर वी पोजिशन, तो आपके सामने डिजाइन आप लोग पंख वाला तैयार करोगे, एक को रोकेंगे एक को कट से कट मिलाकर निकाल देंगे। स्टूडेंट्स कट में कोई भी गिनती या कोई नंबर के साथ नहीं है, ऐसे छोटे छोटे कट लगाना है, यहाँ से कैंची को थोड़ा राउंड में लेंगे और आप इन्हें यहाँ तक रोक दो, वेस्ट को भी कट से कट मिलाकर निकाल दोगे आपके सामने सेकेंड डिजाइन विंग्स मॉडल। तीसरा मॉडल बनाएंगे पूंछ वाला डिजाइन, कौन सा वाला, हिंदी में इसे कबूतर कहते हैं, कश्मीरी में क्या कहते हैं, यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा सा राउंड में यहाँ तक रोकेंगे तो आपके सामने पिजन का आधा डिजाइन तैयार हो जाएगा, समझ आवा। yes, sir. बनाएंगे दो पैर, एक को रोक देंगे एक को कट से कट मिला कर निकाल देंगे, ये दो पैर तैयार हो जाएंगे। फिर पिजन का एक बॉडी वाला हिस्सा बनाएंगे स्टूडेंट्स, जहाँ इसका कट लगा है कट से कट मिला कर इन्हें निकाल दोगे तो आपके सामने वन पिजन विल बी रेडी स्टूडेंट्स। एक से खोलोगे आपके सामने दो पिजन हिंदी इंग्लिश में बातें, तरीके से आप दीवार पर चिपका सकते स्टूडेंट्स, राइट। ये मेरा फर्स्ट डिजाइन है, वैसे स्टूडेंट पेपर के सो बाय डियर स्टूडेंट व्हाट इज दिस कलर पेपर, कौन से पेपर, पतंगी पेपर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। इन्हीं कलर पेपर से जब भी कोई फेस्टिवल होता है जैसे बर्थडे आने वाले कोई भी लोकल फेस्टिवल में आप मार्केट जाते हो, मार्केट से ही कलर पेपर लाते हो, पेपर को ऐसा मोड़ कर इसमें गम एटीट्यूब चिपका कर दीवारों पर और दीवारों पे बिगड़ा आप तोरण बनाकर डेकोरेशन करते, राइट। सो इजी डेकोरेशन मॉडल, नो नीड गम नो नीड पेंट, पेपर की लंबाई सिर्फ एक हाथ की है, बट यू विल डू एनी काइंड ऑफ पेपर लाइक न्यूज पेपर, रफ पेपर, ड्रॉ पेपर, हर पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस्टिवल पेपर को आप लोग अपने उंगलियों की सपोर्ट से ऐसे गोल गोल घुमा देना स्टूडेंट, अगर ऐसा गोल गोल घुमाने में अगर आपको मुश्किल लग रहा है नो प्रॉब्लम, आप इसके अंदर बॉल पेन या पेंसिल का सपोर्ट ले सकते हैं, पेन पेंसिल इसके अंदर डालकर लिपट कर रोल कम्प्लीट कर सकते हैं। इफ यू लाइक एट वन मोर पेपर, अगर आप इसके अंदर दूसरा कलर पेपर ऐड करना चाहते हैं, ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो सेकेंड कलर पेपर आप लेंगे पेपर को बाहर से नहीं बल्कि पेपर को इनसाइड अंदर से ज्वाइंट करोगे, नो नीड गम नो नीड पेस्ट, मैं अगेन रोलिंग कंटिन्यू, आप लोग बस दोबारा ऐसा रोल बना देंगे स्टूडेंट, तो बताएंगे दिस इज हाउ मेनी पेपर,
टू पेपर, दो से तीन, चार, पांच, जितने पेपर एड करना है पेपर आप इस तरीके से अंदर में एड कर लोगे तो कितने पेपर हो गए, थ्री कलर पेपर। एक सिंपल टेक्निक स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। ऐसा रोल तैयार करने के बाद लास्ट पेपर आप व्हाइट कलर ले लेंगे, कोई भी आपका मन है डिफेंस आप टू यू, जो आपको पसंद है वो कलर पेपर आप एड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ चार कलर पेपर एड किया इसके अंदर, बस पेपर का ऐसा ही स्टूडेंट रोल बना देंगे। रोल बनाने के बाद आपको क्या करना है, छोटा बड़ा सीजर लेंगे और इसके बीच में रखेंगे, वन साइड स्मॉल एंड वन स्मॉल बिग, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। जो छोटा वाला साइज है आपने इसे हाफ कट काटेंगे, मोर देन हाफ कट, सिर्फ आधा काटेंगे, पूरा काटोगे तो हाथ में कैंची रह जाएगी स्टूडेंट, नॉट कट ऑल, ओके। सेकेंड स्टूडेंट जो बड़ा वाला पाइप है इसे भी सेम टू सेम काटेंगे, इन्हें भी आधा ही काटना है, एक पाइप को दोनों तरफ आधा आधा काट देंगे तो बताएंगे इसके हिस्से कितने हो गए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, थ्री, वन टू थ्री। दोनों पाइप को नीचे की तरफ फोल्ड कर दोगे और बीच वाले के अंदर सीजर को लगाएंगे, इसे यहाँ से पूरा काट दोगे, ये सारे पेपर खुल जाते हैं। सब पेपर्स को आप अपने फिंगर की सपोर्ट से इन्हें फोल्ड करोगे, मोड़ दोगे तो आपको इसमें कैपिटल लेटर दिखाई देगा, बताइए कौन सा लेटर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टीचर, टी से अपना नाम लगता है आप रख सकते हैं। जब कभी फेस्टिवल है आप इजी डेकोरेशन करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, आप लोग एक सिंगल पेपर पकड़ कर इसे धीरे से बांध लो, सामने एक ट्री से पॉइंटेड ट्री क्रिसमस ट्री तैयार स्टूडेंट्स। ये मॉडल दीवारों पे अगर ऐसे भी चिपकाओगे ना तब भी अच्छा लगेगा। आप लोग अगर इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं कि फिर ज्वाइन मोर पेपर देन मोर लॉन्ग स्टूडेंट्स, सेकेंड तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी रोल बना के रखा है पहले से, क्योंकि रोल बनाने का टेक्निक सेम है, कटिंग करने का टेक्निक डिफरेंट है और उनके डिजाइन भी अलग अलग है। रोल के बीच में कैंची को रखेंगे, सिर्फ आधा काटेंगे पूरा नहीं, आफ्टर एक क्रॉस कट काटेंगे, जहाँ कट लगा है कट से कट मिला देंगे लाइक ट्राइंगल। सेकेंड बड़े वाले पाइप को नीचे की तरफ डाउन करोगे, इन साइड लिटिल बिट टू कट, वन एंड टू, पूरा नहीं काटना है। पेपर को डाउन करोगे, इस हॉल के अंदर सीजर को लगाएंगे और इसे यहाँ से स्टूडेंट पूरा काट देंगे तो इसमें ये सारे पेपर खुल जाएंगे। इसके अंदर दो रंग के पेपर है, पिंक एंड ग्रीन, दोनों कलर पेपर को डिवाइड करेंगे, पिंक एक तरफ ग्रीन एक तरफ, फिर ऊपर के जो पिंक पेपर है उन्हें यहाँ से थोड़ा गोलाकार में काट देंगे स्टूडेंट्स, और ग्रीन वाले पेपर को एक बार फोल्ड करोगे और इसे एक चाकू चम्मच की तरह काट देंगे, एक चाकू चम्मच की तरह काट देंगे स्टूडेंट। जब आप लोग इन्हें खोलोगे तो आपके सामने एक पत्ता वाला डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग अपनी स्कूल में आए हो, आपको उर्दू इंग्लिश पढ़ना तो सबको आता होगा, प्लीज एक मिनट के लिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी आ जाएंगे जिसको उर्दू पढ़ना आता है या इंग्लिश पढ़ना आता है, उठो कोई एक, उठो कोई एक वालन के लिए उठो, हाँ आप किस दाग दे वन उठो, अगर हलवा स्टिल दी तो ये चा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके स्टूडेंट को इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास इसके सीखने के लिए एक या दो डिजाइन नहीं है। फर्स्ट बॉल पेन या मार्कर का सपोर्ट लेंगे, लिखना नहीं है, सारे पेपर्स को एक बार ऐसा फोल्ड कर देना है और अपने फिंगर से इन्हें प्रेस करोगे, दबा देंगे, दबाने से इसमें कुछ स्क्रैच बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फोल्ड आपको सिर्फ पिंक वाले पेपर को ऐसे फोल्ड करना है और फिर क्या करोगे, दबा प्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट मेरे पास सीखने के लिए अराउंड 25 डिजाइन है, अगर मैं आपको 25 डिजाइन शो करूंगा देखना सबको अच्छा लगेगा, बट आप सीख नहीं पाओगे, आप पहला डिजाइन देखोगे तो आपका फोकस दूसरे डिजाइन पे होगा तो पहले वाला भूल जाओगे स्टूडेंट। जैसे सैंपल मैंने आपके सामने ये पिजन बनाया है,
मुझे नहीं लगता है कि अब इसकी कटिंग आपको याद भी होगा, राइट? इसीलिए स्टूडेंट में एक दिखाऊंगा, आप दूसरा बोल जाएंगे। तो बोलना चाहते हो कि सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हैं। कौन कौन? सभी। तो स्टूडेंट इसके सीखने के लिए छोटी सी एक गाइड बुक होती है जिसके थ्रू मैंने सीखा है, आप भी इसी से सीख सकते हैं। स्टूडेंट इस बुक के अंदर हर एक स्टेट की लैंग्वेज है। मैं सर कश्मीर नहीं, मैं पूरा इंडिया गया हूँ, इंडिया से बाहर भी विजिट किया हूँ, इंडिया से आउट ऑफ कंट्री भी मैंने विजिट किया है। तो जैसे हमारी इंडिया में बहुत सारी भाषा होती है जहाँ पे स्टूडेंट हिंदी भी नहीं समझते, इंग्लिश भी नहीं समझ पाते, उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए गाइड बुक बनाया गया है, इसमें हर एक स्टेट की लैंग्वेज है। जो स्टूडेंट मेरी भाषा नहीं समझ पाता है वो अपनी भाषा में पढ़कर भी बना सकता है। साथ में फोटो पिक्चर्स भी है, कैसे मैंने रोल बनाया है, कैसे मैंने काटा है, हाउ टू कट स्टेप बाय स्टेप, और डायरेक्शन इस किताब के अंदर है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें फर्स्ट मॉडल मिलेगा मोमबत्ती स्टैंड, सेकंड मिलेगा डॉल, दूसरा पेज खोलोगे पिजन, रोज फ्लावर्स, ताजमहल, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। Pull the rolls gently, twist the paper over the small. Pull the rolls gently, twist the paper over the leaves may spread in all sides. सिंगल पेपर को स्टूडेंट आप इसे धीरे धीरे बाहर खींचोगे, जोर से नहीं, बस धीरे धीरे बाहर खींचोगे। डिजाइन का नाम है बल्ले बल्ले। अगर ये अच्छा लग रहा है तो रखेंगे, नहीं तो इस पेपर्स को आप वापस धीरे से नीचे बिठा देंगे, फिर आप इसे ट्विस्ट करोगे। सेकेंड डिजाइन आपके सामने तैयार। इस डिजाइन का नाम है दिल्ली का कुतुब मीनार। ये भी अच्छा लगा, रखेंगे नहीं तो एक ने कहा था ना कुतुब मीनार। पेपर को काट लेंगे। ओके लास्ट में पढ़ोगे? हाँ नीचे जोरदार। बट स्टूडेंट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें खुशबू नहीं है। ये सिर्फ सजावट के लिए है। स्टूडेंट ऐसे मॉडल बनाकर अपने क्लास में, ऑफिस में, घर में आप लोग एक इजी डेकोरेशन तैयार कर सकते हैं। मैं सर बहुत दूर से आया हूँ, सर स्टाफ टीचर्स के लिए मैं कोई गिफ्ट लेके नहीं आया हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे हाथ में छोटी सी आर्ट है, ये आर्ट आपके सर के लिए छोटा सा गिफ्ट है सर, हैप्पी टीचर के लिए। लाइक माई आर्ट। तो स्टूडेंट बताइए अब आपको सीखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किताब। जिससे मैंने सीखा है हम लोग इस तरीके से पढ़कर सीख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हैं, राइट? अगर हम साइकिल से गिर जाते हैं तो क्या दोबारा उस साइकिल को बेचने चले जाते हैं? हम फिर से ट्राई करते हैं। 10 बार साइकिल से गिर गए, आखिर में साइकिल चलता है कि नहीं चलता है? तो ये पेपर वर्क है, एक पेपर खराब हो गया नो प्रॉब्लम, दोबारा फिर ट्राई करो। 10 पेपर अगर आपके हाथों से खराब हो जाएगा, इसमें 25 डिजाइन है, 25 में से कुछ ना कुछ तो बनेगा। बस कोशिश आपको करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की स्टूडेंट्स। तो
नहीं देखो देखो यहाँ यहाँ गुंजाइश नहीं है, वक्त भी है ना, वक्त भी कम है, ये सारे डिजाइन नहीं सिखा पाएगा, ठीक। ही कैन नॉट शो यू ऑल द डिजाइन, ठीक है ना। अभी दूसरी क्लास भी हमको इनवाइट करनी है, ठीक। स्टूडेंट एक ड्राइंग बुक है जिसका प्यार से नाम रखा है मैजिक। फर्स्ट पेज ओपन करोगे आपको मिलेगा मंकी, सेकंड मिलेगा डॉल। ये डॉल का ड्राइंग ऐसा है, आपको लग रहा होगा कि ये डांस कर रही है, लग रहा है ना, बट ये डांस नहीं कर रही है, सिर्फ ड्राइंग ऐसा है। स्टूडेंट आप भी ड्राइंग बना सकते हैं ऐसा। इसका एक ब्लैक कार्बन है, ये कार्बन ड्राइंग के ऊपर टच करोगे आपके सामने ये डॉल डांस करेगी। ये देखिए स्टूडेंट क्या ट्राई कर रही है, स्टूडेंट वो खड़ी है। आप इस बुक को ऊपर नीचे करोगे फिर भी डांस नहीं करेगी, बल्कि बुक को नहीं, ये ब्लैक के कार्बन को इसके ऊपर रखकर धीरे से मूव करोगे तो ये डॉल आपके सामने स्टूडेंट सच में डांस करेगी। ये जादू है, तो ये स्टूडेंट इसमें टोटल 16 ड्रॉइंग है, कितने हैं? 16। सेकेंड पेज माइकल जंक्शन, डोरेमोन, छोटा भीम, ये अपने ज्यादा करके ये भूत। स्टूडेंट आपके सामने भूत बहुत अच्छा डांस कर रहा है, मुझे भीम देखना है। सो ये बुक प्लीज लिसन, ये बुक सुनो, लिसन टू दिस, ये ज्यादा करके ये बुक अपने ब्रदर सिस्टर के लिए ज्यादा यूजफुल है। ये है आपका डोरेमोन। तो स्टूडेंट्स ये दो बुक है, मैंने सर आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, स्टूडेंट से, टीचर से, प्रिंसिपल मैम से कोई फी नहीं है, स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री है, बट बुक इज नॉट फ्री स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर ये बुक आपको मैं फ्री में दे दिया मान के चलो, ये, तो ये किसके लिए, ये बुक किसके लिए सर, ये बनाने के लिए। एक बार दूसरा बुक बना, स्टूडेंट्स अगर मैं किसी भी मार्केट में जाऊंगा, दुकान वाले को ये बोलूंगा कि मैंने स्कूल में बच्चों को आर्ट सिखाया है, बल्कि सीखने का बुक भी उनको फ्री में दिया है, आप मुझे कम से कम बच्चों को सिखाने के लिए कलर पेपर फ्री में दे दीजिए, क्या कोई भी दुकान वाला मुझे कलर पेपर इसी बुक से? स्टूडेंट मुझे ये मार्केट से कलर पेपर खरीदना होता है, बस का ट्रेवल्स देना होता है, एक स्कूल की सहायता से मुझे दूसरे स्कूल कॉलेज में जाना होता है। अगर मेरा बुक अगर आपको पसंद आया है, लेना चाहते हैं, तो ये आपको आज ही मिलेगा, क्योंकि ये दो बुक अजमेर से, राजस्थान से मंगाएंगे, इनका कॉस्ट होता है 80 रुपीज, 80 रुपए का, कितना रुपए का, लेकिन आपके लिए 80 रुपए नहीं है स्टूडेंट, आपके लिए डिस्काउंट है 50%। स्टूडेंट्स ये दो बुक और इसके साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कलर पेपर फ्री में दिया जाएगा, पेपर का पेपर लगेगा, कॉस्ट होगा ओनली 40 रुपीज, 40 नहीं दे सकते, हमने आपको अलाउ किया क्लास स्कूल में, मगर 40 ज्यादा हमारा क्लास होगा है ना सर, नो प्रॉब्लम, ये 40 रुपीज का है, जिनकी इच्छा है ले सकते, मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं, ओके हम देंगे, देखो टीचर्स है, और ये देखो यहाँ साओ वहाँ साओ, ये तो आप बड़ा आदमी बन गया, सारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं ना, देखिए ये बुक है ना एक्चुअली मेरा नहीं है, मुझे एक दिन में सिर्फ ये 50 बुक ही मिलता है, और ये